हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन करके आ रही है आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आप भी आगरा यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की तरफ से नोटिफिकेशन करके आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन क्या है, और यहाँ पर डेट देख सकते हैं, यहाँ पर 9 अगस्त 2023, यानी कि कल आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कल ये नोटिस निकल के आ रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यहाँ पर देख सकते हैं किन किन कोर्सेज के लिए, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बीएड जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या फिर एलएलबी एवं बीए एलएलबी सभी कोर्सेज वालों की, सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। खासकर जो स्टूडेंट्स बीएड या फिर बीए एलएलबी या फिर एलएलबी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर यानी किसी भी ईयर में हो, तीनों ईयर में किसी भी ईयर में, या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है उनके एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 8/8/2023 के अनुपालन में बीएड एलएलबी एवं बीए एलएलबी वर्ष 2023 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का पैटर्न निम्नवत निर्धारित किया गया है। यानी कि जो आपका पेपर पैटर्न इस बार क्या होगा, वो पूरा आपको हम डिटेल्स बताएंगे इसी वीडियो में। और आपको हम यहाँ पर एक और चीज़ बताएंगे, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उन्हें इस गलती का बहुत ही उनका मेरिट में, उनके परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। तो पूरा हम आपको बताएंगे डिटेल्स में इस वीडियो को, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखते हैं, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बीए एलएलबी आप किसी भी ईयर में हो, तो सभी के लिए नोटिफिकेशन है। पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानी यहाँ पर रखनी है। तो पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर देख सकते हैं बीएड, और इसके साथ देख सकते हैं यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, यानी शिक्षण विषय के प्रश्न पत्र 6 BD 106 के प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अन्य प्रश्न पत्र 100 प्रश्न, यानी कि आपको जो पेपर होता है BD 101 इसके भी आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, BD 102 के भी 100 क्वेश्चन, यानी जितने आपके पेपर होते हैं BD 101 से लेकर BD 108 तक या फिर 9 तक, यानी आपके 8 पेपर टोटल होते हैं, तो सभी में 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या केवल 50 प्रश्न हल करने होंगे। समयावधि जो आपको टाइम मिला है इसके लिए, पूरा आपको 3 घंटे का टाइम आपको मिला है, तो आपको 3 घंटे में आपको एक पेपर को सॉल्व करना होगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे, यानी कि बहुविकल्पी टाइप के होंगे, MCQ टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं LLB के लिए भी सभी प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न रहेंगे, और इसमें से आपको 80 प्रश्न करना है, कोई भी 80 प्रश्न करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हमने गलत बता दिया आपको, यहाँ पर BD 106 में 100 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 50 प्रश्न के आंसर देने हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं अन्य प्रश्न पत्र, यानी इसके अलावा जो भी प्रश्न पत्र आपके 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें सिर्फ आपको 80 प्रश्न के आंसर देने हैं। यानी कि BD 101 में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, BD 102 में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, BD 103 में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह आपके सभी BD 106 को छोड़कर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपको सिर्फ 80 प्रश्न के आंसर देने हैं, और BD 106 में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं LLB के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न पत्र 100 प्रश्न आपको करने, 100 प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन का आंसर देने हैं। इसके लिए आपको टाइम 2 घंटे का टाइम मिला है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर BD 101 यानी BD 106 को छोड़कर जितने भी सारे हैं आपको 80 प्रश्न के आंसर देने हैं, और आपको टाइम इसमें 2 घंटे का टाइम मिला है। इसी तरह आप देख सकते हैं BA LLB में आपको सभी प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, इसमें से आपको 80 प्रश्न हल करने होंगे, और टाइम जो है वो 2 घंटे टाइम है। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन जो कि यूनिवर्सिटी तरफ से आया, हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको क्या गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप बीएड में आप अगर आपने एडमिशन लिया है, या फिर किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है LLB या फिर BA LLB में, और जैसे कि आपने यहाँ पर आपको हमने बता दिया पेपर पैटर्न ने क्या है, जैसे कि आपको BD 101 यानी कि अन्य प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न रहेंगे BD BEd में, जैसे BD 101 में आपके 100 क्वेश्चन, BD 101 में 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे गए हैं, जिसमें सिर्फ आपको 80 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 20 क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं। और इस केस में अगर आप 80 से 90 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, 100 में आप 90 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो जो आपने एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन किए हैं, इसका आपका इस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन आप किए रहेंगे वो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और जो आपके जो है टोटल क्वेश्चन, तो या जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का क्या होगा, तो हम आपको बता दें, अगर आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 80 से अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जब तक आपके 80 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके सारे क्वेश्चन के आंसर काउंट होंगे, और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपने सही किया होगा तो मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया होगा तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे।
जैसे आपने 100 क्वेश्चन में आपने 90 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जब तक आपके 80 क्वेश्चन नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक कि आपके सारे ही क्वेश्चन के आंसर काउंट होंगे। अगर आपने सही किया होगा तो मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर गलत किया होगा तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो आपके 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही वो क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं ना ही वो काउंट होंगे। तो आप 80 क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल भी आप क्वेश्चन करने का प्रयास मत करिएगा एग्जाम में, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो सिर्फ आप जो भी आपको क्वेश्चन आते हों, जो भी आपको आंसर पता हो, सिर्फ आप उसी के आंसर दीजिए, और कम से कम आप 80 क्वेश्चन के आंसर जरूर दें, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 80 क्वेश्चन से कम भी ना करें ना ही ज़्यादा करें। तो इस वीडियो में हमें यही आपको बताना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़ी आपको हर अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्द।